आइए देखते हैं हमने आज वीडियो में क्या क्या सीखा है। सबसे पहले हमने संख्या रेखा पर एक बिंदु के स्थान का निर्धारण किया था, जो आपके पूर्व ज्ञान के अंतर्गत आता है। तल में एक बिंदु की स्थिति का निर्धारण किया के लिए आवश्यक सूचनाओं पर विचार किया था कि किसी तल में एक बिंदु है, उसमें हम निरूपित करने के लिए हमें क्या क्या आवश्यकता होनी चाहिए, अक्ष होने चाहिए, मूल बिंदु होना चाहिए। निर्देशांक ज्यामिति की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, कैसे रहने देकात्रे ने विचार किया, केवल एक छिपकली के आधार पर एक गणित की एक बहुत महत्वपूर्ण ब्रांच का जन्म हुआ। निर्देशांक ज्यामिति की आधारभूत संकल्पना क्या है, निर्देशांक ज्यामिति का आधार क्या है, कि किस प्रकार हम उसमें त्रिभुज, चतुर्भुज और चीजें बनाकर हम भविष्य में और उसके क्षेत्रफल और दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। रहने देकात्रे का हमने आपको परिचय दिया, बताया कि कैसे रहने देकात्रे ने निर्देशांक ज्यामिति की उत्पत्ति की। कार्तीय तल, निर्देशांक अक्ष, मूल बिंदु तथा चतुर्थांश का हमने आपको परिचय करवाया। कार्तीय तल में स्थित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने की विधि आपको बताई, किसी बिंदु के निर्देशांक लिखने की विधि क्या होती है, किस प्रकार हम किसी बिंदु के निर्देशांक लिखते हैं, यह हमने सीखा। तल में एक बिंदु का आलेखन करना, सबसे आखिरी में हमने यही सीखा था कि किस प्रकार किसी बिंदु के निर्देशांक अगर हमने दिए हैं तो हम किस प्रकार उस बिंदु का कार्तीय तल में आलेखन कर सकते हैं, और किसी बिंदु के चतुर्थांश का निर्धारण किस प्रकार से कर सकते हैं। तो हमने आज निर्देशांक ज्यामिति पाठ को पढ़ा है और आशा है कि आप इसके सभी प्रश्नों को हल करेंगे अपनी कॉपी में और हल करके अपने संबंधित अध्यापकों को फोटो खींचकर भेजेंगे, जिससे वो आपके हल की जांच कर सके, जिसके लिए आप व्हाट्सएप माध्यम या गूगल क्लासरूम माध्यम का प्रयोग कर सकते हैं और फोन द्वारा भी अपने शिक्षकों से जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।